जाएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज शर्मा, आप देख रहे हो सूरज वाइट फ्रेंड। ये है ओला का एसन प्रो, देख सकते हैं एसन प्रो है, ये सेकंड जनरेशन वाला। ठीक है, आज हम जो है इसमें क्या करने वाले हैं, आज हम इस पर बेल्ट चेंज करेंगे। ठीक है, इसका बेल्ट जो है ना किसी वजह से ये टूट गया है। क्या है कि इसमें कवर नहीं होने की वजह से इसमें क्या एक ईटा का टुकड़ा आ गया था और उसकी वजह से क्या वो बेल्ट टूट गया है। हमने जो है ये ऑनलाइन से परचेज़ करके ये बेल्ट को मंगाया, देख सकते हैं ये बेल्ट में ये क्या क्या नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये शायद नंबर के हिसाब से भी आता होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको ये बेल्ट को कैसे कैसे लगाना है। फिलहाल हमने जो है यहाँ का बोल्ट खोला, ठीक है, 10 नंबर है एलंकी से, यहाँ का बोल्ट खोला हमने, इस साइड का बोल्ट एक खोला हमने और उधर साइड का भी बोल्ट खोला हुआ है, देख सकते हैं हमने इधर का भी बोल्ट खोल लिया है, ये रहा इसका बोल्ट। ठीक है, अब जो है हमको क्या करना है, पीछे से हम थोड़ा सा इसको यहाँ से पकड़ के उठाएंगे। ठीक है, यहाँ से पकड़ के उठाएंगे और इसके नीचे जो है हम ना लकड़ी का सपोर्टिंग देंगे। देखिए यहाँ तो दिए लेकिन पर ये जो है कम पड़ गया, हमको और भी थोड़ा सा दे करके उसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो में बने रहे, हम एक एक करके आपको दिखाते जाएंगे कि किस किस तरह से हम जो है इसको कर रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम लोगों ने जो है ये वाला जो है सिंगम को पूरा बाहर खींच लिया है। ठीक है, अभी हम कोशिश करेंगे मोटर को बिना खोले ये बेल्ट को घुसाने का। ठीक है, ये बेल्ट पतला ये हो सकता है कि अंदर आराम से घुस जाएगा। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ किस जगह से इसे घुसाना है। इधर जगह पकड़ना थोड़ा थोड़ा चक्कर को ऐसे पकड़ के रख, सिंगम को पकड़ के रख, कपड़ा देखना पहुँच फ्रेंड्स। देख सकते हैं मैंने जो है बेल्ट को जो यहाँ पे घुसा दिया है। ठीक है, मोटर के पास, मोटर में घुसाने का सबसे इजी प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं मोबाइल टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए ये जो आप देख सकते हैं ये मोटर के सामने में ना ये छोटा सा स्पेस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इस जगह पे जो है ना इस जगह पे इतना स्पेस है कि यहाँ से ना आपका बेल्ट आराम से घुस सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में एक सपोर्ट लगा हुआ रहता है मोटर के पास में, वो सपोर्टिंग क्या रहता है, देखिए ये नट रहता है सपोर्टिंग, ये रहेगा और ये वाला बोल्ट लगा हुआ रहता है। तो ये नीचे से जो है ये देख सकते हैं ये जो हल्का सा ये के जैसे निकला हुआ ये वाला ये जो पार्ट है, यहाँ पे आपका जो सपोर्टिंग रहेगा वो सपोर्टिंग को खोलना है ये वाला। ठीक है, ये खोल करके आप आराम से बेल्ट को ऐसे टेढ़ा करके ऊपर कर सकते हैं, टेढ़ा करके हल्का सा धीरे धीरे करके आप ऊपर चढ़ाएंगे तो ये ईजिली चढ़ जाएगा और ये लग जाएगा। चलिए वीडियो बने रहे, मैं अभी जो है ये आगे तो लग चुका है, अब पीछे जो है लगा के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पीछे का सारा कंप्लीट करता हूँ डायरेक्ट। फ्रेंड देख सकते हैं ये जो सिंगम का हमने जो निकाला था ये इजीली मैं आपको फिर से बाहर करके दिखा रहा हूँ। आपको ऐसे टेढ़ा करके यहाँ ला करके और ऐसे चढ़ाना है। ठीक है, दोनों तरफ से आप मेजर कर लिए, दोनों तरफ से अच्छे से अलाइनमेंट करके, इसमें आपको जो है दो आदमी का मदद, तीन आदमी का मदद लग सकता है, एक गाड़ी पकड़ने के लिए लग सकता है और इधर एक जो है सिंगम के लिए। ये देख सकते हैं ये बेल्ट हमने यहाँ पर चढ़ा लिया, देखिए हमारा बेल्ट जो है चढ़ चुका है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आप जो भी खोलेंगे ये वाला बोल्ट को तो ये बोल्ट को क्या करना है, आपको यहाँ पे ग्रीस लगाना है, यहाँ पे ना बैरिंग दिया हुआ रहता है। ठीक है, ये सस्पेंशन का बैरिंग एक दिया हुआ रहा था तो इस पर क्या ना ग्रीस करके लगाया ताकि ये जो आवाज़ वगैरह कुछ भी ना आए। ठीक है, वीडियो में देखते रहे, हम जो एक एक करके सारा जो है फिटिंग कर रहे हैं, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखो या तो फिर बाद में कॉमेंट करके आप ही लोग पूछेंगे कि ये कैसे लगा वो कैसे लगा। एलंकी जैसा वहाँ से एलंकी 10 नंबर उधर में, ये जो बोल्ट देख सकते हैं आप लोग ये जो है 10 नंबर एलंकी। ठीक है, ये हमारा ग्रीस का पाउच हुआ, फंसाना नहीं है, अभी रुक जाओ, इसमें आराम से आप जो है ग्रीस लगाएंगे अच्छे से, इसमें ग्रीस कर करके आपको फिटिंग करना है। देख सकते हैं ग्रीस आपको अच्छे से लगाना है, इसको क्या है ना बीच बीच में आपको अगर कभी भी साउंड आया ना तो इसको क्या है ना ग्रीसिंग करते रहे, इसका जो बैरिंग जो है ना ये बैरिंग ख़राब हो जाएगा अगर आप ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो। बोल्ट में भी ग्रीस कर लिया,
ले सकते हैं लेकिन वो पहले आप इस साइड में पहले फंसा ले, उसके बाद फिर उधर साइड को जाके फंसाए, ठीक है। दोनों फंसाने के बाद में ही जाके टाइट मारना आपको, ये तो डायरेक्टली टाइट नहीं मारना। आइए मैं अभी उधर का दिखाता हूँ आपको। इसका देख सकते हैं ये जो है बैरिंग खराब हो चुका है, ठीक है। एक बैरिंग जो है बाहर आ चुका है, तो अब इसको कुछ किया नहीं जा सकता है। वो बैरिंग जो निकल गया है सो निकाल दें उसको, अब बाकी जो है ये अगर आपको नया मिले तो नया परचेस करके इसको जो है ज़रूर फिटिंग करवाएं। अगर ज़्यादा हिलने लगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर इसको फिटिंग करवाना है, ठीक है। नया देख सकते हैं यहाँ ग्रीस हमारा लग चुका है, ठीक है। अब जो हमको ये बोल्ट लगाना है, ये हमारा बोल्ट इजीली पूरा फिटिंग हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसे अच्छे से टाइट कर लेना है। सॉकअप का बोल्ट भी आपको खोलना पड़ेगा, बिना सॉकअप का बोल्ट खोले हुए आप जो है इसको नहीं फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सॉकअप बोल्ट खोलने के बाद ही जो आपका पीछे का स्विंग आर्म जो है वो आगे पीछे हो सकता है। आइए उधर का भी टाइट करते हैं पूरा। हमारा बेल्ट का एडजस्टमेंट भी पूरा ओके है, देख सकते हैं बेल्ट में जितना टेंशन होना चाहिए ये उतना टेंशन है, ठीक है। अभी इससे ज़्यादा हमको टाइट करने का इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब जो हमको फाइनल इसको टाइट कर देना है, ये जो है अभी हमारा पूरा रेडी हो गया। अब जो है हम आपको चालू करके दिखाते हैं गाड़ी, ठीक है। तो देख सकते हैं चक्का भी अभी हमारा फ्री घूम रहा है पूरा, इसका भी टेंशन पूरा ओके है। ब्लर कर दोगे? ब्लर कर दोगे? प्रॉपरली हमारा जो है ये फिटिंग हो चुका है। अब जो है चालू करेंगे हम, अब चक्का जो है हमारा मूव होगा, ठीक है। देखे हमारा पूरा हो चुका है। देख सकते हैं हमारा बेल्ट पूरा ओके हो गया, हर चीज ओके है इसका,
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और मेरे चैनल में बने रहें। इसी तरह से ही मैं टेक्निकल वीडियो वगैरह जो है लाता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।